आज हम जो भारत सरकार के द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई जो जिसमें बताया जा रहा है कि भारत जो है ये GI जो है जिसको प्राप्त हुआ है जलगांव का किला उसको दुबई निर्यात किया गया है। तो इससे संबंधित फैक्ट्स थोड़े जानते हैं। सबसे पहले GI टैग क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। GI जो टैग इंडिकेशन है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के द्वारा संचालित है, ठीक है। और ये इशू किसके द्वारा होता है, ये इशू होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री चेन्नई के द्वारा, ठीक है। ये तो पता चल गया होगा। और हाल के दिनों में आपको पता ही है जो चाक हाउ जो राइस है काला चावल जो मणिपुर का उसको दिया गया था, गोरखपुर का टेराकोटा से संबंधित जो है उसको GI टैग मिल चुका है। ये कुछ चीज़ें हैं भारत से संबंधित। अगर मैं वर्ल्ड की बात बताऊं तो वर्ल्ड में आप जानते हैं GI टैग के लिए एक मशहूर है वीपो, WIPO। वीपो क्या है, ये है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन, ये एक सेल्फ फंडिंग है जैसे ये यूनाइटेड नेशन का, और यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर हैं। और ये वीपो एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1967 में। ये कुछ फैक्ट है। अब यहाँ पर बनाना की बात आई तो बनाना से संबंधित बता दूँ, बनाना जो है एक स्टेपल फूड है ट्रॉपिकल कंट्रीज में, और खास करके इसमें जो एक्सपोर्ट करते हैं जो निर्यात करते हैं, तो क्वेश्चन बनता है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन सा कंट्री करता है केला का, ठीक है। तो दो चार मैं आपको नाम बताता चलूँ। सबसे पहला नंबर आता है इक्वाडोर। जी हाँ, इक्वाडोर ये वही कंट्री है जहाँ से क्या पास होता है, इक्वेटर लाइन पास होता है। अगर हम ये पूरे अर्थ की बात करें तो अर्थ में यहाँ से बीच से इक्वेटर पास होता है, और जो इक्वेटर है इक्वेडोर कोलंबिया ब्राजील ECB ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कंट्री पड़ता है इक्वेडोर, वहीं से पास होता है। और इक्वेडोर क्या है, बनाना का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है फिलीपींस, फिलीपींस आता है जी हाँ एशिया में पड़ रहा है। उसके बाद कोलंबिया आता है, फिर कोस्टा रिका, ग्वाटामाला, नीदरलैंड, बेल्जियम, फिर अमेरिका की बारी आती है, फिर डोमिनिकन रिपब्लिक जहाँ पर अभी मेहुल चोकसी के बारे में आए दिन न्यूज़ में पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद आप पनामा की बात करें, पनामा लीक आप जानते होंगे न्यूज़ में रहता है, पनामा कनाल भी है वहाँ, फिर होंडारूस, मैक्सिको, कैमरून, जर्मनी, ये सारे देश हैं। और अब आपको कमेंट में बताना है कि जो कौन सा देश सबसे बड़ा क्या बोलते हैं इसका उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। तो ये कमेंट में आप बताएं कौन सा देश सबसे बड़ा जो है उत्पादक है केले का। तो ये जो आप ये प्रेस रिलीज पढ़ेंगे इसमें ही ये चीज़ें स्पष्ट रूप से आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो ये और जलगांव जो ये केला है इसको GI कब प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दिख पा रहा होगा, ठीक है, 2016 में जलगांव केले को GI प्रमाणीकरण मिला, ठीक है। और इससे पहले मैंने चाक हाउ के बारे में बताया, गोरखपुर टेरिकोटा से बताया, और भी बहुत तमाम चीज़ें, जरदालू आम बिहार से, तो ऐसी और भी चीज़ें हैं भारत में जिनको GI टैग मिल चुका है। तो आप इन सारी चीज़ों से लाभ उठाएं और आने वाले परीक्षाओं में सफलता अर्जित करें। धन्यवाद।